हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जेपी नेचर के यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, न्यूट्रिशनल डाइट, ये सब के बारे में बात करते रहते हैं। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स। क्या आपको पता है आपका दो ब्रेन है, एक ब्रेन तो ऊपर है और एक ब्रेन शरीर के अंदर है, उसको हम लीवर बोलते हैं। क्योंकि उसके अनुमति के बिना कुछ भी चीज़ आपके ब्लड में घुल ही नहीं सकता, ठीक है। और इसको हम लोग केमिकल फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा केमिकल निकलता रहता है एंड शरीर को जो चीज़ें ज़रूरत है वो पहुंचाती रहती है, ठीक है। और जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, मतलब चावल वगैरह, रोटी वगैरह, जो ग्लूकोज बनता है वो जाके स्टोर होता है लीवर में। 400 से 500 ग्राम तक लीवर में स्टोर होता रहता है। आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, जो डायबिटिक लोग हैं वो शायद इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, कि आप सुबह जब उठते हो उस टाइम पे आपका जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे जो लीवर है वो ज़्यादा शुगर ब्लड में सप्लाई कर देता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और लीवर क्यों डैमेज होता है, अगर आप ज़्यादा नशीले चीज़ें जैसे कि अल्कोहल, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब खाते रहते हो तो जो है लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अगर आप टी कॉफ़ी भी खाते हो तो इससे भी जो है लीवर डैमेज होता है। अगर स्पेशली आप डायबिटिक हो या हार्ट प्रॉब्लम आपको हो, फिर भी आप कॉफ़ी ले रहे हो या टी ले रहे हो, कि वो शुगर फ्री क्यों ना हो, तब भी आपको डैमेज कर सकता है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी छोड़ दें। अगर आप ओवरडोज ऑफ मेडिसिन ले रहे हो तो भी ये दिक्कत करता है, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है। आपको पता नहीं होगा मेडिसिन कैसे बॉडी में काम करता है। मेडिसिन डाइजेस्ट नहीं होता है, वो एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो इसलिए जब आप मेडिसिन खाते हैं, मान लीजिए हम 50 mg का मेडिसिन खा रहे हैं, तो 25 mg आधा तो आपका लीवर जो है फेंक देगा बाहर और आधा जो है आपके बॉडी में जाता है। कुछ दिन बाद आप देख रहे हो वो मेडिसिन का कंपोजिशन चेंज होता है, नहीं तो उसका डोज बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर को पता चल जाता है कि कोई चीज़ बाईपास होकर जा रहा है, फिर उसको वो रोक देता है। ये सब साइड इफेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमको मेडिसिन कब लेना चाहिए, जब इमरजेंसी हो, कोई मतलब लास्ट स्टेज हो, कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा, तो हम ये ले सकते हैं। और एक अच्छे इंसान जो चिकित्सक है उनके पास दिखाना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। अगर आपका लीवर ऑलरेडी डैमेज हो गया हो तो क्या करें फिर, ठीक है। इसके लिए एक ही चीज़ है बस आप कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। हाँ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, याद दिलाना पड़ता है ना ये। तो क्या करें हम, एक ही चीज़ है वो मैं बता रहता हूँ, ग्रीन जूसेस। एक ही नाम है, ग्रीन जूसेस। अगर आप ग्रीन जूसेस यानी ग्रीन ब्लड, जिसको हम ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो ब्रेड ब्लड है एंड जो ग्रीन ब्लड है वो सेम ही है, खाली कलर में डिफरेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपके बॉडी में जो काम करता है। लीवर ऐसा चीज़ है आपके शरीर में, एक ऑर्गन है जो खुद को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है, ठीक है। इसलिए उसको खाली आप सपोर्ट दीजिए, 7 to 15 days में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इतने सारे प्रॉब्लम है इसका निकल जाता है, आपको पता चल जाएगा इजीली। देखिए, आप ग्रीन जूसेस में क्या क्या बना के पी सकते हैं, कुछ भी ग्रीन जूसेस पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन या किडनी स्टोन वगैरह, कुछ चीज़ों का आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि स्पिनच वाला जो जूस है उसको अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन जूसेस को डिटेल में समझने के लिए हमारा एक बुक है, द सीक्रेट ड्रिंक, उसमें जाइए, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, वो चेक कर लीजिए। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे समझा गया है, वो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। लीवर प्रॉब्लम में आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि आपका एनिमल फूड, स्पेशली आपका एनिमल फूड एंड प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड, जो रिफाइंड तेल हो, रिफाइंड आटा हो, इस सब चीज़ों को कुछ दिन तक अवॉइड करें, ताकि आपका लीवर जो है रिवाइव हो जाए। उसके बाद आप कभी कभी चाहे तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देना चाहता था इसके ऊपर। एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जेपी नेचर के यूट्यूब चैनल।